कल बहुत संक्षेप में दोस्तों, कल एक तीन मेंबरान की खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय में एक निर्णय दिया जिसका नाम है विजय चौधरी। वो महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए है क्योंकि वो कई प्रावधान, कई ढांचे, कई चीज़ें जिस एक्ट को आप जानते हैं पीएमएलए के नाम से, उसके विषय में है। और विशेष रूप से चुनौती जो दी गई थी उस एक्ट के कई प्रावधानों को, विशेष रूप से वो प्राविधान जो 2018 के संशोधनों द्वारा लाए गए थे। संक्षिप्त एक वाक्य में कहा जाए तो उच्चतम न्यायालय ने वो सभी प्रावधान सही माने हैं, अपहोल्ड किए हैं और उनकी चुनौतियों को खारिज किया है। जहां हमारे को निश्चित बिना संदेह सबसे ज़्यादा आदर विश्वास उच्चतम न्यायालय के लिए है, साथ साथ हम अपनी कर्तव्य हम समझते हैं एक गणतांत्रिक प्रक्रिया में, एक जिम्मेवार अखिल भारतीय विपक्ष के हैसियत से, कि आपके समक्ष हम वो बातें रखें जो इस एजेंसी के लगभग 8 साल के एक ज़बरदस्त द्वेषपूर्ण कारनामों से भरी है। वो इतिहास सिलेक्टिव है और द्वेषपूर्ण है। किसी भी रूप से अपनी कानूनी हैसियत को वो भूल गई है, बदल गई है, खत्म कर दी है उसको। कुछ सरल आंकड़े देखें आप। इस एजेंसी द्वारा रेड्स हुई हैं 2004 से 14, 10 वर्ष का पीरियड, 112, और 2014 से 2022 ये फिगर है 3000, 300 नहीं 3000, 8 वर्ष में, और उसके पहले वाला आंकड़ा 10 वर्ष में। इससे बड़ा स्पष्ट है कि दुरुपयोग करना एक आक्रमण की हथियार के तौर पे इस एजेंसी का, इस कानून का, अपने दूसरे राजनीतिक रंग वाले दलों के विषय में, विपक्ष के लोगों के विषय में एक आदत सी बन गई है इस सरकार की। हम सब जानते हैं, ये सर्वविदित है, इसकी बात आज 8 साल से हो रही है, कि 99% केसेस एक्शन रेड्स उन विपक्ष के लीडरान के विषय में हुई है, जो मेल, जिनका मत मेल नहीं खाता, जिनकी नीति मेल नहीं खाती, जिनका विचारधारा मेल नहीं खाती सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार से। और जहां ऐसे लोगों के विरुद्ध ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं, ऐसा एक्शन लिया गया और बाद में उन्होंने दल बदल किया है, अपना विचारधारा बदली है, तो जादुई छड़ी के समान वही केसेस एक ठंडे बक्से में चले जाते हैं, या तो ठंडे बस्ते में, और या वो खत्म कर दिए जाते हैं, भुलाए दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, पड़े रहते हैं विलुप्त, भुलाए हुए। ये सभी चीज़ें हम जानते हैं शुरुआत से, इस बात को ज़बरदस्त रूप से सबका ध्यान आकर्षित करती है कि इन सब के विषय में सेफगार्ड्स चाहिए, वो सुरक्षाएं, वो सुरक्षा चक्र जिससे इन चीज़ों का दुरुपयोग या तो हो न पाए या न्यूनतम हो। 2019 के पहले अगर आपको कोई भी चीज़ जब्त करनी थी, ज़बरदस्ती जब्त करनी थी, तो आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। 2018 के अमेंडमेंट्स द्वारा ये चीज़ हटा दी गई है और अब इस एजेंसी ईडी को ये पूरा अधिकार क्षेत्र दिया है मैजिस्ट्रेसी का, यानी कुछ हद तक एक बाहरी तत्व जो ज़्यादा निष्पक्ष माना जाता है मैजिस्ट्रेसी, उसको हटा दिया गया है। एक और उदाहरण कि इसकी चुनौती जो दी जाती है उसका महत्वपूर्ण एक स्तंभ होता है अपेलेट ट्राइब्यूनल, जो एक भारी तत्व माना जाता है, निष्पक्ष माना जाता है, एक न्यायिक व्यक्ति द्वारा उनके अध्यक्ष होते हैं। ये 3 साल से रिक्त है स्थान फुल टाइम अध्यक्ष का,
तीन वर्ष से कहाँ जाए नागरिक, ये सभी मुद्दे हम समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, ज़्यादा इन पे ध्यान देना आवश्यक है। विपक्ष को प्रताड़ित करना ही सिर्फ बच गया है ईडी का काम। विपक्ष की मांग है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस प्रक्रिया पर देनी है लगाम। एक अखिल भारतीय जिम्मेवार, सबसे पुरानी एक प्रकार से राजनीतिक पार्टी, ऐसी बातों में हमेशा नागरिकों के साथ खड़ी है और आवाज़ उठाएगी, विरोध करेगी उन चीज़ों का जो किसी रूप से भी दुरुपयोग के क्षेत्र में आते हैं, और हम कभी इस बात से झिझकेंगे नहीं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। We'll be right back.